सच्चा वाक्य न्यूज को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन जरूर दबाएं ताकि हर खबर मिले आपको सबसे पहले। नमस्कार दर्शकों, मैं संदीप सिंह पखाड़ा, एसवी न्यूज इंडिया, सच्चा वाक्य। आज हम खड़े हैं सप्रा हॉस्पिटल में, जहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है और यहाँ पर जो डॉक्टर दिनेश सहगल हैं वो हमसे बातचीत करेंगे और हमें बताएंगे हृदय रोग संबंधित किस प्रकार से हृदय की बीमारी अक्सर होती है और इस किस प्रकार इसका रोकथाम की जा सकती है और इसमें किस प्रकार से खान पान किया जा सकता है। जैसा कि आपको पता है कि 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है, जहाँ पर हृदय रोग के संबंधित जो जो बीमारियाँ होती हैं उसके बारे में बताया जाता है। इसी कड़ी में आज यहाँ पर पूरा एक हफ्ते का कार्यक्रम मनाया जा रहा है हृदय रोग संबंधित। तो ज्यादा जानकारी के लिए हम डॉक्टर साहब से मिलते हैं और उनसे बातचीत करते हैं, उनसे जानते हैं, आइए चलते हैं। विश्व हृदय दिवस 29 सितंबर हर वर्ष मनाया जाता है, लेकिन सप्रा अस्पताल में पिछले 3 वर्षों से हम इसको सप्ताह के रूप में मना रहे हैं। पूरा वीक है, एक दिन काफी नहीं है। इतनी बड़ा बर्डन है इन बीमारियों का कि एक दिन में इसको ना तो हम पेशेंट को जागरूक कर सकते हैं ना इसके सारे एस्पेक्ट्स को कवर कर सकते हैं। तो एक सप्ताह के रूप में हम मनाते हैं, आखिरी हफ्ता जो होता है सितंबर का, उसको वर्ल्ड हार्ट डे ना रह के वर्ल्ड हार्ट वीक के रूप में मनाते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं कि हार्ट की बीमारियां बहुत ही कॉमन है और विशेषकर विकासशील देश जैसे कि हमारा देश भारत है, ये माना गया है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा कि 2020 तक सबसे ज़्यादा हार्ट पेशेंट हमारे देश में होंगे। क्या वजह है इतना ज़्यादा इंसिडेंस होने का? जो बीमारी जो विकसित देश है उनमें अब इसकी दर घट रही है, लेकिन पिछले 25 वर्षों का आंकड़ा है जो ICMR का, उसके हिसाब से इसकी संख्या में 50% से अधिक बढ़ोतरी हो गई है। और सबसे खराब बात यह है कि अब ज़्यादा संख्या युवा वर्ग की देखने को मिल रही है। जो 45 वर्ष से कम की आयु में पहले माना जाता था कि यह बीमारी कम होती है, इसकी संख्या बढ़ के आ रही है युवा वर्ग में। तो इसका मुख्य कारण जो है ये जीवन शैली पे आधारित बीमारी है, अस्वस्थ जीवन शैली है। जैसे कि हम देख रहे हैं मोबाइल और लैपटॉप का युग है, जो शारीरिक क्रिया है वो कम होगी, बैठे रहने का काम ज़्यादा हो गया, इसी तरह से मानसिक तनाव है वो बढ़ गया। खान पान में जैसे हम देखते हैं कि ज़्यादा नमक और वसा वाला खाना है, फास्ट फूड वगैरह है, उसका चलन बढ़ गया। वही जो है फल और सब्जियों पे बेस्ड जो डाइट है, ये एक वेल एस्टेब्लिश बात है कि ये जोखिम को बढ़ाता है, इसका चलन बढ़ता जा रहा है। तो जीवन शैली के सुधार से ये माना जाता है कि लगभग 80% जो मौतें हैं हार्ट की बीमारी से संबंधित उनकी रोकथाम संभव है। तो पूरे विश्व में प्रति वर्ष लगभग 1,75,00,000 मौतें हैं वो हार्ट की बीमारियों की वजह से होती है, जो सबसे बड़ा कारण है डेथ का। तो आप देखिए 80% इसकी रोकथाम जो है, केवल आप बोलो कि ये सब सप्ताह और ये सब दिवस क्यों मनाया जाता है, जागरूकता पर निर्भर है इसकी रोकथाम। तो वो बहुत ज़रूरी है, विशेषकर युवा वर्ग में, इवन बच्चों में, स्कूलों में फास्ट फूड का चलन है जो वो कम करना चाहिए, उनको शारीरिक क्रिया फिजिकल एक्टिविटी के बारे में जागरूक करना चाहिए। और प्रतिदिन 30 से 45 मिनट का व्यायाम है जिसमें सिंपल सैर है, देखो ये भी एक इतना सिंपल सा स्टेप है, इससे हम इतना अच्छा इसका रोकथाम कर सकते हैं, अपने हार्ट को स्वस्थ रख सकते हैं। तो हार्ट को सबसे उम्दा मशीन माना जाता है, जो बिना रुके बिना थके पूरा जीवन इंसान के काम करता रहता है। तो वो 24 घंटे 7 दिन और 365 दिन आपके लिए काम करता है और आपसे केवल यही मांगता है कि आप 45 मिनट एक दिन में उसके लिए निकालें। तो ये चीज़ जो है इतना सरप्राइजिंग है कि बिल्कुल सिंपल जो ट्रिक्स है वो हम नहीं यूज़ करते, जो पहले हमारे बुजुर्ग लोग खेतों में काम करके फिजिकल एक्टिविटी अच्छी रखते थे, फल सब्जी का खान पान ज़्यादा था, फास्ट फूड वसा का सेवन कम होता था, वो आजकल उल्टा हो गया है, ज़्यादा वेस्टर्नाइजेशन हो गई है डाइट की मैं कहूँगा। तो इसी तरह से आजकल देखा गया कि मानसिक तनाव एक बहुत बड़ा कारण है ब्लड प्रेशर बढ़ने का, हार्ट की बीमारियों का। इसमें योगा प्राणायाम वगैरह जो हमारी पुरानी पद्धतियाँ हैं वो भी इसमें जो है इनसे निजात पाने में हेल्प करती हैं। देखा गया कि ब्लड प्रेशर के पेशेंट जो इसको यूज़ करते हैं योगा का, प्राणायाम का, रिलैक्सेशन टेक्निक का, उनमें जो है मेडिसिन की डोज कम हो जाती है। इसी तरह से चलने फिरने से, जिससे कि आपको स्वेटिंग वगैरह हो, पसीना आए, तो ये चीज़ें जो हैं ब्लड प्रेशर वगैरह और हार्ट की बीमारियाँ इनका इंसिडेंस कम हो जाता है। तो हम रूटीन में अपने पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि ये एक फिजिकल रिहैबिलिटेशन मेजर है।
कि आपको जो है शरीर की जो है रख रखाव में जो फिजिकल एक्टिविटी को एक बनाना है, रूटीन अपनी दिनचर्या का वो पार्ट बनाना है। तो यही सारी चीज़ें हैं, मैं अवगत कराना चाहूँगा। कोई प्रश्न हो तो आप प्लीज पूछें। मकसद लक्षण क्या है इसमें? देखिए बड़े ही वेग लक्षण होते हैं, मतलब हम एक स्टीक तरीके से नहीं बता सकते कि सभी में ये लक्षण मिलेंगे। जैसे कि दिन प्रतिदिन देखते हैं कि पेशेंट को इंसान को ज़्यादा सांस चढ़ रहा है, वो खुद बताता है कि डॉक्टर साहब पहले मैं ये कर पाता था अपने एक्टिविटीज़ में, अब इसकी मेरे को बाधा आ रही है चलने फिरने में। जैसे मैं आधा किलोमीटर एक किलोमीटर चल पा रहा था। इसी तरह से बड़े छोटे छोटे लक्षण हैं, जैसे ज़्यादा पसीना आना, सिर चकराना, घबराहट होना, सिर दर्द होना, ये कॉमन ब्लड प्रेशर बढ़ने के लक्षण होते हैं और ज़्यादातर ये नज़रअंदाज हो जाते हैं। अभी इंसान सोचता है कि ये मामूली कोई और कारण हो सकता है, सिर दर्द होने का, सिर चक्कर आने का, अपना ब्लड प्रेशर वगैरह नहीं नपवाता। ये अल्टीमेटली जो है एक रिस्क फैक्टर बन जाता है हार्ट की दिक्कत के लिए, हार्ट अटैक के लिए। तो ये सारी बातें हैं। देखिए प्राथमिक तौर पे तो सबसे जरूरी है कि पेशेंट रेस्टिंग कंडीशन में कोई काम कर रहा है तो उस गतिविधि को तुरंत रोक दे, लेट जाए, जिससे कि हार्ट के ऊपर लोड है, जो डिमांड है उसका ऑक्सीजन का वो कम हो जाए। इसी तरह से होममेड रेमेडीज में आजकल एस्प्रिन आपने सुना होगा, खून पतले की दवाई है। अगर आपको सस्पिशन है कि वाकई में वो लक्षण उस तरह के हैं तो 300 मिलीग्राम चार गोलियां एस्प्रिन की, नॉर्मली 75 मिलीग्राम की एक आती है, उसको पीस के आप उसको दे सकते हो। फिर जो व्यक्ति है उसको लंबा लंबा सांस लेना चाहिए, ये जो है ब्लड के सर्कुलेशन को थोड़ा सा टेम्परेली रिस्टोर करता है। और जितनी जल्दी हो सके उसको नज़दीकी अस्पताल में ले जाना चाहिए और कम से कम एक ECG करना चाहिए, क्योंकि उसी से ECG कन्फर्मेशन और आगे ट्रीटमेंट का पता लगता है। तो पहला एक घंटा बहुत ही क्रूशियल होता है, इसको गोल्डन आवर बोलते हैं। ज़्यादातर 60% तक मौतें हार्ट अटैक में पहला घंटे के अंदर होती हैं। अगर आप उसको सही समय पे अस्पताल पहुंचा दे रहे हो और उसको फर्स्ट एड मिल जा रही है तो 60% की डेथ रेट है, इसको कम किया जा सकता है। तो इसको नवर कंसेप्ट बोलते हैं कि ये है एकदम से आपको सुनहरा मौका है जिसमें आप जान बचा सकते हो। चेकअप है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, कोलेस्ट्रोल है, या डॉक्टर के परामर्श के अनुसार और आपकी पास हिस्ट्री कैसी है उसके अनुसार कोई टेस्ट का सुझाव दिया जाए तो वो आपको प्रति वर्ष करवाना चाहिए। देखिए ये निर्भर करता है कि एज, पहले तो मैं बोलूंगा जल्दी देखा गया है कि इन बीमारियों की दर है वो 40 वर्ष के बाद बढ़ जाती है। हालांकि लाइफस्टाइल अगर आपका अनहेल्दी है, आपकी फैमिली हिस्ट्री ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो 20 वर्ष के बाद भी इस चीज़ को रेकमेंड करते हैं कि अगर फैमिली हिस्ट्री में मदर फादर को हार्ट की दिक्कत है, कोई आपको पास में ब्लड प्रेशर वगैरह अधिक पाया गया है तो आपको अपना 20 वर्ष की उम्र के बाद ही एनुअल चेकअप में कोलेस्ट्रोल है, ECG वगैरह है, ब्लड प्रेशर चेक है, जो डॉक्टर के परामर्श के अनुसार अगर वो बोले कि जो है और आगे फर्दर जांच की जरूरत है वो करवाना चाहिए। तो 40 वर्ष के बाद रूटीन रूप से और 20 वर्ष के बाद अगर आपकी हिस्ट्री ऐसा सुजेस्ट करती है कोई हाई रिस्क फैक्टर है आप में। देखिए मेनली तो सिडेंट्री लाइफस्टाइल है, मोबाइल और लैपटॉप है जो आपको हिलने नहीं देता। जो बाहर जाके लोग काम करते थे, बाजार से सब्जी लाना होता था, वो आप ऐप से ऑर्डर कर देते हो, मुख्यतः तो ये है। दूसरा मैं मानसिक तनाव मानूंगा, स्ट्रेस, टारगेट और वर्क प्रेशर इतना हो गया आजकल और दिनचर्या में बैठे रहने की जो है शारीरिक निष्क्रियता इतनी बढ़ गई है, ये दो मेन फैक्टर मैं मानता हूँ जो युवा में ज़्यादा है। उसके बाद शराब और धूम्रपान का अधिक सेवन, ये अगर तीन चीज़ें जोड़ दें तो मेरे को लगता है 75% से ज़्यादा कारण हमको युवा वर्ग में अधिक होने का मिल जाएगा। हरियाणा में देखिए ये एक बड़ा ही सरप्राइजिंग डाटा पीछे ICMR जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है इंडिया का, उसने पिछले 25 वर्ष का डाटा स्टडी किया 1990 से लेकर 2016 तक का। उसमें बड़ी चौंकाने वाली चीजें थी। पहले तो ये माना गया कि ये पाया गया कि युवा वर्ग में सबसे अधिक इसकी दर बढ़ रही है और 50% से अधिक पेशेंट 45 वर्ष के कम आयु के आ रहे हैं। ये ग्रामीण भारत का मोटा मोटी डाटा है, पर्टिकुलर हरियाणा का ऐसा तो उसने नहीं बताया। उसके बाद दूसरी चीज ये देखी गई कि ये जो है वेस्टर्न कंट्री में इसका इंसिडेंस जो है हार्ट की बीमारी वो कम हो रहा है, इंडिया में पिछले 25 वर्ष में 50% से अधिक की दर से ये बढ़ा है। तो ये बड़ी चौंकाने वाली बातें थी। फिर ये देखा गया था कि ग्रामीण इलाकों में ज्यादा सुरक्षित रहते हैं लोग उनके खान पान और लाइफस्टाइल की वजह से, लेकिन देखा गया कि ये ट्रेंड पिछले 25 वर्ष में उल्टा हो गया है। ग्रामीण भारत में मृत्यु दर और हार्ट की बीमारियां अधिक बढ़ गई बजाय कि अर्बन इंडिया में।
तो ये बिल्कुल उल्टा आंकड़ा होना, इसका कारण मैं मानता हूँ कि वही सिडेंट्री लाइफस्टाइल, दिनचर्या में निष्क्रियता, खान पान वही वेस्टर्नाइज हो जाना, गांवों में खेती से दूर जाना लोगों का, और स्ट्रेस अगेन उनमें बढ़ना, ये मैं कारण मान सकता हूँ। फिर स्वास्थ्य सुविधाओं की थोड़ी कमी भी एक कारण हो सकता है कि वो लोग लेट पहुँचते हैं, जो आपका एक घंटे का गोल्डन पीरियड है वो लॉस हो जाता है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा चौंकाने वाले डाटा थे पिछले 25 वर्ष में जो स्टडी से पाए गए हैं। खाने पीने का कितना इफेक्ट पड़ता है? देखिए, वही चीज़ है, जो आप चीज़ शरीर में डालते हो तो उसकी प्रतिक्रिया आपको शरीर भी देगा, तो बहुत अधिक इसकी कॉन्ट्रीब्यूशन है खाने पीने की। तो लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज में हार्ट की बीमारी को शामिल किया गया, उसमें सबसे ज़्यादा योगदान खान पान का ही अस्वस्थ होना है। प्लांट बेस्ड डाइट है, जो हमको फ्रूट्स और ये सब वेजिटेबल से मिलते हैं, वो इसके इंसिडेंस को कम करते हैं। और जो आर्टिफिशियल प्लांट बेस्ड मैं बोलूँगा, जो डायरी प्लांट्स हैं, जो डायरी प्रोडक्ट्स हैं, दूध वगैरह और इनसे बनी हुई चीज़ें, वो इसके इंसिडेंस को बढ़ाती हैं। कारण वही है कि उनका जो है चर्बी युक्त होना, उनके वसा की मात्रा का दूध और उसके प्रोडक्ट्स में ज़्यादा होना, नॉन वेज में भी अगेन ये चीज़ ज़्यादा होती है, और वेजिटेरियन जो शाकाहारी खाना है उसमें इसकी मात्रा, जो वसा वगैरह की, जो फैट वगैरह की, वो कंटेंट कम होता है। तो हेल्दी फूड आज भी उसको ही माना गया है कि वेजिटेबल और फ्रूट बेस्ड डाइट है, जो वो आपको प्रयोग करना चाहिए, और जो आर्टिफिशियल प्लांट बेस्ड डाइट है, जो डायरी प्रोडक्ट्स हैं, उनका सेवन कम करना चाहिए। कई बीमारियों में बोला जाता है कि नॉनवेज खाना ज्यादा अच्छा होता है, तो वेजिटेरियन और नॉनवेज में से कौन सा खाना बेटर है? देखिए, जहाँ तक हार्ट और लाइफस्टाइल से रिलेटेड बीमारियों का, जिसमें कि ब्लड प्रेशर और शुगर भी शामिल है, उसमें ऐसा नहीं है, नॉनवेज खाना जो है वो ज़्यादा फैट रिच होता है, पहला तो बात ये है। हाँ, उसकी एक जो फायदेमंद चीज़ है वो प्रोटीन रिच भी होता है, लेकिन जो भाई दुबले पतले लोग हैं, जो कमज़ोर हैं, जो बीमारी से रिकवर हो रहे हैं, उनकी रिकवरी में ये ज़रूर थोड़ा हेल्प करता है। पेशेंट शरीर से बहुत कमज़ोर है, उसको सलाह दी जाती है कि अधिक प्रोटीन की मात्रा के लिए आप नॉनवेज का कंजप्शन करें, लेकिन वो एक लिमिटेड पीरियड के लिए है। और ये एक क्रोनिक डिजीज होती हैं हार्ट और बाकी बीमारियां, तो इसके लिए लंबे समय के लिए इसके प्रयोग की सलाह नहीं दी जा सकती आपको। आपको जो है ज़्यादा फ्रूट और वेजिटेबल, जो इंटरनेशनल डाटा है वो ये तक रेकमेंड करते हैं आपको 2 से 3 सर्विंग कि 2 से 3 बार आप फ्रूट और वेजिटेबल कंज्यूम करें। बाकी जो ग्रेन्स हैं, जो अनाज है, वो तो अलग है। तो 2 से 3 सर्विंग, तो देखिए अगर हम अपना ही सोचें तो हम लोग भी नहीं कंज्यूम करते कभी, जो है दिन में कोई एक आध फल खा लिया, बाकी दिन तो पूरा ग्रेन बेस्ड डाइट रहता है या डायरी प्रोडक्ट्स का डाइट रहता है। तो ये वाक्य में जो है हमको इस चीज़ से निजात मिला सकते हैं। कारण यही है, इनमें अगेन जो फैट कंटेंट तो कम होता ही है, इनमें पोटाशियम कंटेंट ज़्यादा होता है। पोटाशियम क्या करता है, हमारे ब्लड प्रेशर को सामान्य करने में हेल्प करता है। इसका उल्टा एक्शन होता है सोडियम, सोडियम नमक में पाया जाता है जो बढ़ाता है। तो इनमें पोटाशियम जो प्लांट और वेजिटेबल होती हैं ज़्यादा होता है, वो ब्लड प्रेशर को सामान्य लेवल पर लाता है। तो एक तरह से एक भागीदार है ब्लड प्रेशर का बढ़ना भी हार्ट की बीमारी में। तो नेचुरली रिस्क फैक्टर रिडक्शन होता है इन प्लांट प्रोडक्ट से। तो फ्रूट और वेजिटेबल बेस्ड डाइट ही हेल्दी है और लॉन्ग टर्म के लिए रेकमेंडेड है। जी, अगर नॉन वेज में एक चीज पूछे तो सबसे हेल्दी जो नॉन वेजिटेरियन है वो फिश है। कारण वही है, वो भी जो है आपकी फ्राइड फिश नहीं होनी चाहिए, वो स्मोक्ड फिश होनी चाहिए, जो भुनी हुई हो, जिसमें तेल की मात्रा कम हो। कारण ये है कि फिश के अंदर जो है नेचुरल ओमेगा 3 फैटी एसिड एक चीज होती है। ओमेगा 3 फैटी एसिड क्या करते हैं, ये जो नुकसानदायक कोलेस्ट्रॉल है, ट्राइग्लिसराइड, उसके लेवल को ऑटोमेटिकली कम करता है, और जो गुड कोलेस्ट्रॉल है उसके लेवल को ओमेगा 3 फैटी एसिड बढ़ाते हैं। तो एक ये नेचुरल सोर्स है, वेरी रिच सोर्स है जो फिश है, वो ओमेगा 3 फैटी एसिड का। अगर आपसे कोई बोले भी हम ज्यादा नॉन वेजिटेरियन बेस्ड डाइट पे जाना चाहते हैं, तो उसके लिए रेकमेंडेड सबसे बेस्ट फिश ही होगी, बजाय की मटन या चिकन के। तो एक रिलेटिवली हेल्दी नॉन वेजिटेरियन फूड है फिश। यही कारण है, देखिए जापान के लोगों की मृत्यु दर बहुत कम है, सबसे ज्यादा वो लोग जीते हैं, उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी अराउंड 100 है, जो कि बाकी कंट्रीज में 70-80 ईयर्स ही है, उनमें फिश कंजप्शन ज्यादा है। तो ये एक थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन उसकी होती होती है। ओमेगा 3 फैटी एसिड है, वो आपकी ये देखा गया आयु को भी थोड़ा सा बढ़ाते हैं और हार्ट वाइज आपको हेल्दी रखते हैं। अक्सर देखा जाता है छोटे बच्चों भी आजकल इस हार्ट अटैक का कारण हो रहा है, कि क्या कारण है इस वजह से छोटे बच्चे? देखिए वही है, आप स्कूल कैंपस में ही जाइए, उसका एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा। फास्ट फूड, चिप्स, चॉकलेट का कंजप्शन कितना बढ़ गया है,
और फ्रूट वेजिटेबल बच्चे को आदत ही नहीं है खाने की। फिर वही चीज़ जो हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं, वो कंप्यूटर पे काम करने लग जाते हैं, वो लैपटॉप और उस पर मोबाइल पे काम करने लग जाते हैं। बाहर आउटडोर एक्टिविटी, स्पोर्ट एक्टिविटी आप अपने ही कॉलोनी में देख लीजिए कितनी कम हो गई, जबकि पहले बच्चों को देखा जाता था पार्क में खेल रहे हैं, माँ बाप उत्साहित प्रोत्साहित करते थे। लेकिन आजकल वीडियो गेम और इसका चलन आ गया है और खाने पीने में फास्ट फूड का अधिक चलन है, तो वो चीज़ उनको भी अफेक्ट करती है नेचुरली। तो ये सबसे बेस्ट ग्रुप है कि आपकी जो बचपन में आदतें पड़ जाती हैं आपकी जीवन भर रहती हैं। तो स्कूल कैंपस में गवर्नमेंट को भी ये करना चाहिए, भी आजकल तो केरला जैसे स्टेट ने फैट टैक्स लगा दिया कि आप अगर पिज्ज़ा बेचोगे, फैट रिच डाइट फास्ट फूड बेचोगे तो आपको अलग से टैक्स पे करना पड़ेगा। तो नेचुरली एक पेनल्टी होनी चाहिए जिससे कि लोग इनसे दूर रहें और फ्रूट और वेजिटेबल और बाकी हेल्दी खाना है उसके तरफ जाएं। तो यही मैं मानूंगा कि ज़्यादा फास्ट फूड और इनका चलन और शारीरिक निष्क्रियता, फिजिकल एक्टिविटी और स्पोर्ट्स से दूर रहना बच्चों का इस चीज़ को बढ़ाता है, इसके इंसिडेंस को बढ़ाता है। हार्ट फेल एक वेग टर्म है, इसी तरह से जैसे आपने बुखार बोल दिया, लेकिन बुखार के कई कारण होते हैं जैसे कि डेंगू हो गया, किसी को मलेरिया हो गया। हार्ट फेलियर एक वेग टर्म है, हार्ट किसी भी वजह से कमजोर पड़ेगा वो फेल करता है, उसमें से सबसे मुख्य कारण हार्ट अटैक ही है। हार्ट अटैक किसी हार्ट की नस का रुकना होता है, उसकी वजह से हार्ट की मांसपेशियों को खून नहीं मिलता और वो कमजोर पड़ जाता है। तो हार्ट अटैक की नेक्स्ट स्टेज और वर्स्ट स्टेज जो है वो हार्ट फेलियर होती है कि हार्ट अपना काम करना छोड़ दिया, ब्लड प्रेशर गिर गया इंसान का, सांस चढ़ने लग गया, ये कॉमन लक्षण होते हैं हार्ट फेलियर के। तो दोनों में एक तरह से काफी क्लोज संबंध है, हार्ट अटैक एक कारण होता है हार्ट फेलियर का, बाकी और भी कारण है हार्ट फेल करने के जिसमें कई तरह की बीमारियां शामिल है। तो हार्ट फेल एक वेग टर्म है जिसके कई कारण है, उसमें से हार्ट अटैक एक है। पहले कहा जाता था कि तीसरे हार्ट अटैक में मरने के चांसेस ज्यादा रहते थे, लेकिन आज देखा जाता है कि पहले हार्ट अटैक में ही लोग, देखिए ये मैं कहूंगा कि एक जो अपनी समस्या परे की बात है, हार्ट अटैक पहला, दूसरे या तीसरा बिल्कुल उतना ही खतरनाक होता है। हाँ, पुराने अगर हार्ट अटैक आ रहे होते हैं, दोबारा अटैक का आना नेचुरली जोखिम को बढ़ा देता है, लेकिन किसी भी हद से पहले हार्ट अटैक को हम नॉन सीरियसली नहीं ले सकते। देखा जाता है कि जो मैंने बोला एक घंटे में जो है डेथ रेट 60% तक होता है हार्ट अटैक में, आप किसी भी पेशेंट को कैजुअली ट्रीट नहीं कर सकते। फर्स्ट अटैक, हार्ट अटैक भी उतना ही जानलेवा हो सकता है जितना सेकेंड या थर्ड। तो ये डेफिनेटली पहले हिस्ट्री है हार्ट अटैक की, तो चांसेस जो डेथ और स्थिति खराब होने के बढ़ जाते हैं, लेकिन किसी भी तरह से पहले या दूसरे अटैक को लाइटली नहीं लेना चाहिए, ये भी उतना ही जानलेवा हो सकता है। जैसे कि हम रोजमर्रा की न्यूज़ में देखते हैं हमारे राजनेता, इतने वरिष्ठ लोग, अचानक से कुछ होता है और पता लगता है 2 घंटे बाद खत्म हो गया। तो ये चीज़ एक जानकारी का मैं अभाव बोलूंगा, फर्स्ट सेकंड या थर्ड अटैक को नहीं गिनना चाहिए। अगर डायग्नोसिस हार्ट अटैक है तो यस, यू शुड बी वेरी सीरियस और पेशेंट शुड बी हैंडल्ड केयरफुली टू दी प्रॉपर डॉक्टर। तो ये चीज़ जो है मैं नहीं मानता कि इनमें कोई ज़्यादा तर्क है। और ज्यादातर केसेस में ये दर्द ना होके एक जलन या भारीपन बताता है पेशेंट, या सांस में रुकावट बताता है। तो इसके इंतजार में ना रहे पेशेंट, ये भी हम अपने लिखित लिटरेचर में पेशेंट को एजुकेशन के लिए देते हैं कि दर्द का नहीं होना, एक तो एक साइलेंट हार्ट अटैक होता है, बिना दर्द के वो हो सकता है। फिर लक्षण ज़्यादातर 50% से अधिक मरीजों में सांस में रुकावट, भारीपन या जलन अधिक होता है, दर्द मैं कहूँगा कि रादर अनकॉमन होता है। तो इसके चक्कर में ना रहे, अगर डायग्नोसिस में डाउट लग रहा है, आपके परिचित में किसी को दिक्कत हो रही है, आप जरूर डॉक्टर से संपर्क करें। खुद उसमें जो है टीका टिप्पणी करने से बचना चाहिए कि भाई हार्ट अटैक है कि नहीं, ऐसा होगा तो हम मानेंगे हार्ट अटैक है, नहीं है तो नहीं, ये डॉक्टर के ऊपर छोड़ना चाहिए। वो भी जो है ECG वगैरह करके, बहुत बार हम भी पेशेंट से पूछते हैं, वो बोलता है जी कुछ नहीं है, मेरे को जलन है, उल्टी आ रही है, लेकिन निकलता है वो हार्ट अटैक। तो सिचुएशन और डॉक्टर का परामर्श और साथ में जो सपोर्टिव टेस्ट है ECG वगैरह जो बहुत सिंपली कहीं भी हो जाते हैं, उसको करके ही निष्कर्ष पे पहुंचना चाहिए। का पर्टिकुलर पॉइंट ये है कि दर्द आपका बिल्कुल बाएं साइड में और बिल्कुल बीचों बीच छाती के नहीं होगा, इसमें ज़्यादातर पेशेंट कन्फ्यूज रह जाते हैं। हार्ट अटैक का दर्द गले, छाती, कंधों और नाभि तक कहीं भी हो सकता है, और ज़्यादातर केसेस में ये दर्द ना होके एक जलन या भारीपन बताता है पेशेंट, या सांस में रुकावट बताता है।
तो इसके इंतज़ार में ना रहे पेशेंट, ये भी हम अपने लिखित लिटरेचर में पेशेंट को एजुकेशन के लिए देते हैं कि दर्द का नहीं होना, एक तो एक साइलेंट हार्ट अटैक होता है, बिना दर्द के वो हो सकता है। फिर लक्षण ज़्यादातर 50% से अधिक मरीजों में सांस में रुकावट, भारीपन या जलन अधिक होता है, दर्द मैं कहूँगा कि रादर अनकॉमन होता है। तो इसके चक्कर में ना रहे, अगर डायग्नोसिस में डाउट लग रहा है, आपके परिचित में किसी को दिक्कत हो रही है, आप जरूर डॉक्टर से संपर्क करें। खुद उसमें जो है टीका टिप्पणी करने से बचना चाहिए कि भाई हार्ट अटैक है कि नहीं, ऐसा होगा तो हम मानेंगे हार्ट अटैक है, नहीं है तो नहीं, ये डॉक्टर के ऊपर छोड़ना चाहिए। वो भी जो है ECG वगैरह करके, बहुत बार हम भी पेशेंट से पूछते हैं, वो बोलता है जी कुछ नहीं है, मेरे को जलन है, उल्टी आ रही है, लेकिन निकलता है वो हार्ट अटैक। तो सिचुएशन और डॉक्टर का परामर्श और साथ में जो सपोर्टिव टेस्ट है ECG वगैरह जो बहुत सिंपली कहीं भी हो जाते हैं, उसको करके ही निष्कर्ष पे पहुंचना चाहिए। देखिए मैंने अगेन वही बोला कि हार्ट अटैक की वर्स्ट फॉर्म ही हार्ट फेल करती है, तो आपकी बड़ी हुई स्टेज में पेशेंट आ रहा है तो साथ में उसको हार्ट फेल भी मिलेगा। तो ये चीज़ दो कारण हो सकते हैं, एक तो हार्ट अटैक बहुत बड़ा था, दूसरी बात लेट आया पेशेंट आपसे, उसकी स्थिति बिगड़ रही है, तो आपके पास नेचुरली उसने टाइम जो वेस्ट कर दिया है वो तो आपके पास कम ही है ना, तो आपको ज़्यादा जल्दी इंटरवीन करना होता है। आपका जो स्ट्रेस लेवल और आपके जो रिफ्लेक्सेस हैं ज़्यादा फास्ट होने चाहिए हार्ट अटैक के साथ, अगर हार्ट फेल का पेशेंट है, क्योंकि वो ऑलरेडी जो है एक ख़राब स्थिति में है, बिगड़ने के ज़्यादा चांसेस हैं, तो उसमें समय नेचुरली कम होता है। आपको ICU एडमिशन की सलाह दी जाती है और तरह तरह की दवाइयाँ और इंजेक्शन आपको उसमें इस्तेमाल करने पड़ते हैं। तो ये एक मैन्यूवर है जो पेशेंट को आप मीनवाइल के लिए इंस्ट्रक्ट कर सकते हो कि लंबा लंबा सांस ले और बीच बीच में थोड़ी खांसी करता रहे। तो यही मेरे को लगता है कि जो घर पे और आपको सिंपली अवेलेबल है। दूसरी बात वो है कि वो किसी काम में उलझा हो या खड़ा हो, उसको लेटा देना चाहिए। रिलैक्स होने से भी हार्ट की ऑक्सीजन डिमांड 50% कम हो जाती है। तो ये बिल्कुल सिंपल सी टेक्निक है, बाकी मैं ज़्यादा हाईफाई इंजेक्शन या वो तो नहीं एडवाइस करूँगा, क्योंकि उनके अपने साइड इफेक्ट है जो एक कॉमन मैन नहीं यूज़ कर सकता बिना ऑब्जर्वेशन के। इसके बाद सीधा आपके पास उपचार का ये तरीका है, नज़दीकी डॉक्टर के पास पहुँचें। एक आजकल सोर्बिट्रेट की गोली होती है, वो जीभ के नीचे रखें तो छाती में दर्द में थोड़ा रिलीफ कर देती है, वो भी अगेन अवेलेबल है, लेकिन उसको भी पेशेंट को थोड़ा सा ब्लड प्रेशर मॉनिटर करते हुए ही देनी चाहिए। तो ये सिंपल है, एस्प्रिन, सोर्बिट्रेट और जो ब्रीदिंग टेक्निक्स मैंने बताई हैं वो ही आप घर पे यूज़ करें। इसके बाद नेक्स्ट जो है अपना उसमें नहीं पड़ना चाहिए, होममेड रेमेडीज में आपको हॉस्पिटल में संपर्क करना चाहिए। अगर ब्लड प्रेशर कम हो ना साथ में, तो ब्रेन का ब्लड सप्लाई सबसे ज़रूरी होता है। आप पैर उठा दोगे तो ब्लड फ्लो थोड़ा सा ब्रेन की तरफ और छाती की तरफ बढ़ेगा। तो मैंने वही बोला कि लेटने से भी ना अगेन सेम होगा, अभी आप बैठे हो तो ब्लड फ्लो ग्रेविटी की वजह से नीचे है। तो जो इंसान काम में उलझा हुआ है, मान लो कि खेत में काम कर रहा है, उसको छाती में दर्द हो गया, सबसे पहला स्टेप होना चाहिए वो खड़ा ना रहे, लेट जाए। अमूमन हमने देखा क्या है कि जब भी इस तरह से कोई कंसीज होता है, गिर जाता है वो, जी लोग उसको उठा देते हैं। नहीं नहीं, वो सबसे गलत होता है। बिल्कुल, उसकी बेहोशी की तरफ जाने का रफ्तार और बढ़ जाएगी आप उठाओगे, क्योंकि ब्लड सप्लाई ग्रेविटी के ऊपर भी थोड़ा निर्भर करता है। लेटने मात्र से मैंने बोला 50% डिमांड हार्ट का कम हो जाता है, उसका लोड कम हो जाता है, तो वो चीज़ डेफिनेटली रिलीविंग है। भाई पेशेंट हमारे पास भी आता है, भाई डॉक्टर साहब जो है छाती में दर्द हो रहा है, तो हम उसको लेटा के ही एग्जामिन करते हैं। बैठे बैठे जो आपने 5 मिनट लगाए उसी में वो चक्कर खा के गिर जाएगा, तो नेचुरली एक बेसिक टेक्निक है। देखा जाता है कि जो हार्ट के पेशेंट होते हैं उनको वाल डाला जाता है, वो किस प्रकार होता है? देखिए वाल एक मैं बोलूँगा लेमेंस टर्म है, जो गांव में हमारे लोग हैं वो स्टेंट को भी कुछ बोलते हैं, और वैसे साइंटिफिकली हार्ट में 4 वाल्व होते हैं जो एक तरह से कैप होते हैं, एक ढक्कन होते हैं, जो आपके ब्लड फ्लो को एक डायरेक्शन में डायरेक्ट करने में हेल्प करते हैं। तो 4 हार्ट के वाल्व होते हैं, लेकिन जो हार्ट अटैक में जो अपने गांव वाले लोग बोलते हैं वाल्व डाल दें, वो बेसिकली एक स्टेंट होता है। स्टेंट मींस एक स्प्रिंग की तरह होता है जो नस को आपके खोल के जो ब्लॉकेज वाली जगह है उसमें ब्लड फ्लो को रिस्टोर कर देता है। तो स्टेंट इंग्लिश में बोलें या छल्ला बोलते हैं हिंदी में, और वाल्व जो है साइंटिफिकली या अपने इंग्लिश लैंग्वेज में बोलें वो एक अलग चीज़ है। वाल्व की जनरली ऑपरेशन होते हैं वो ओपन हार्ट सर्जरीज होते हैं, वो पेशेंट ज़्यादातर आपके साथ फूलते हुए सांस के साथ आएंगे, वो एक अलग स्पेक्ट्रम है पूरा बीमारियों का। और ये अचानक वाला आप देखते हो किसी की मृत्यु होगी, दर्द हुआ था छाती में, वो हार्ट अटैक होता है, उसमें स्टेंट का रोल ज़्यादा होता है। अच्छा,
तो स्टेंट जो है बिना ओपन हार्ट सर्जरी के डल जाता है। आजकल एंजियोप्लास्टी और मशीन द्वारा ये सारा करते हैं, तो दोनों में अंतर है। लेकिन ये अपने गांव का सिंपल पर्सन है वो बोलता है, अभी बाल बोल दिया हिंदी में, छल्ला ज़्यादातर ज़्यादा रेलेवेंट टर्म है, और अंग्रेजी में बोले तो स्टेंट बोलते हैं उसको। वो फिक्स कर दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, स्लैब बना दिया गया, मैक्सिमम रेट है जो उसका 30,000 रुपये फिक्स कर दिया है, 30,000 प्लस GST कर दिया गया, लगभग 32,000 में आ जाता है वो आजकल, तो वो अपर लिमिट फिक्स कर दी गई है, किसी भी प्रकार का जो स्टेंट होगा उसकी वो फिक्स कर दी गई है।